matter how hard you try, you cannot get rid of darkness because it does not exist. It is not a force, it is merely the absence of light. In order to affect darkness, you must do something with light. Observe that when a light is brought to a dark place, the darkness disappears. Sorrow is similar. When joy is brought to suffering, sorrow disappears. So open yourself to the light. Hold back nothing, because light is the only thing that actually exists. आज है 14 नवंबर दीपों का त्यौहार दिवाली। जैसा आपको पता है ये दिवाली काफी अलग है। इस साल एक महामारी से हमारा ये दिवाली काफी ज्यादा निराश हो चुका है। थोड़ा सा उस तरह का माहौल नहीं बन पाया जो कि दिवाली में होता है। काफी लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, लेकिन हाँ, हम चाहते हैं कि आने वाला जो साल है उसमें दिवाली और अच्छे से हम मनाएं
खुशियों से मनाएं, जोश के साथ मनाएं। जी बिल्कुल, मन के हर अंधेरे को इस दिए के साथ हम दूर भगाते हैं चलिए। और पटाखे अगर नहीं भी जला सकते हैं तो कोई बात नहीं है, हम मिठाइयाँ खा सकते हैं, घर को सजा सकते हैं, इसी तरीके से हम दीपावली को मना भी सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन प्रिकॉशन के साथ आप लोग कोशिश करेंगे जितना हो सके प्रिकॉशन के साथ ये दिवाली मनाएं। जी बिल्कुल, क्योंकि पटाखों पर जो बैन लगा है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये हम सबको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। ये हेल्थ के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, ये हर चीज़ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ जो भी बैन है या फिर जो भी रेगुलेटरीज है उसका सम्मान करें। तो सब कोई खुशी से इंजॉय करें इस दिवाली। हम प्रार्थना करते हैं सबको सुख समृद्धि मिले आने वाले साल के लिए। बहुत बहुत ढेर शुभकामनाएं आप सबको, बहुत सारा प्यार हमारी तरफ से। फिर से आप सबको हमारी तरफ से हैप्पी दिवाली।